हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि पटेल। टुडे वी लर्न क्लास 9 बिहावी बुक्स चैप्टर नंबर 1 द फन डे हैड। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अ हाफ लेसन। टुडे इन दिस वीडियो वी कंटिन्यू दिस लेसन। ओके, स्टार्ट दिस लेसन। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily. Loftily means in a superior way. तो मार्गी ने बोला था, मार्गी ने कहा था कि कोई क्यों स्कूल के बारे में क्यों लिखे, क्यों मार्गी स्कूल को हेट करती थी, इसलिए मार्गी ने बोला कि स्कूल स्कूल के बारे में क्यों लिखे। टू सरप्राइजली टॉमी उसके ऊपर देखता है सुपीरियर वे के से, सुपीरियर आइज से, और कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्कूल नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो जो स्कूल है वो हमारे स्कूल जैसी नहीं है, वो ओल्ड टाइम की स्कूल है। ओके, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स अगो मीन्स सेंचुरीज अगो की स्कूल है। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल डे हैड ऑल दैट टाइम अगो। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो मार्गी वॉज हर्ट, जो टॉमी ने रिप्लाई किया उसकी वजह से मार्गी को थोड़ा हर्ट हुआ। पर मार्गी ने ऐसे सो नहीं किया, आई डोंट नो कि नहीं पता। पर उस टाइम में जो ओल्ड टाइम के जो स्कूल है दे हैड ऑल दैट टाइम, जो सेंचुरी अगो जो स्कूल है वो नहीं। पर अब क्या करना है, तो वो उसके साथ थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ते शोल्डर फॉर अ वाइल, वो बुक्स पढ़ने में कंटिन्यू रहते एंड साइड। वो कहते हैं दे हैड अ टीचर, तब टीचर है, एक ह्यूमन टीचर है, टीचर उसका भी एक टीचर होगा। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हियर रेगुलर मीन्स नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। तो जो हमारा टीचर है एक मैकेनिकल टीचर, जो रॉबर्ट टीचर है हमारा, वैसा टीचर नहीं, पर एक कैसा टीचर है, एक इट वॉज अ मैन, एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन बींग है। और श्योर डे हैड अ टीचर, और उसके भी एक टीचर है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, सरप्राइज हो जाती है, अ मैन क्वेश्चन करती है, और एक ह्यूमन कैसे टीचर हो सकता है, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव डैम होमवर्क एंड आस्क डैम क्वेश्चंस। जो मीन्स जो ह्यूमन टीचर है वो बच्चों के साथ बातचीत, किड्स के साथ बातचीत करते, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को एक्सप्लेन करता है, उसको वर्क देता है, होमवर्क देता है, और उसको क्वेश्चन भी आस्क करता है, मीन्स क्वेश्चन भी पूछता है। तो जो हर एक एक्टिविटी उसके साथ होती है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मांगी अरे जो जो ह्यूमन टीचर है, मैन टीचर है, वो इतना नॉलेजेबल नहीं होता है कितना, जितना मैकेनिकल टीचर टीचर होता है। ओके, जो मशीन टीचर है इतना। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो उसके जो टॉमी है वो कहता है कि इतना ही स्मार्ट होता है वो टीचर जितना ह्यूमन ने। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर जो मेरे टीचर जितना ही जानते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स टीचर है वो भी इतना ही नॉलेजेबल होते हैं। He knows almost as much, I bet. Okay, bet के बारे में बोला गया here, informal करे, bet you, I am sure. In fast speech, I am sure. तो मुझे पता है कि इतना knowledgeable है। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो Margie कोई डिस्प्यूट, हियर डिस्प्यूट मीन्स अ डिसएग्रीमेंट। तो मार्गी जो है वो उसको टॉमी का जो आंसर है उसको डिसएग्री करती है, मीन्स
उसे जाने दे दिए, वो उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करना चाहती है। पर उन्होंने क्या कहा कि कोई अननोन पर्सन स्ट्रेंज मैन को उसको मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ मेरे घर पर उसे सीखने के लिए, टीच मी, मुझे सिखाने के लिए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो जो ये मार्गी की बात सुनता है टॉमी, उसके बाद वो हंसता है, कौन सी बात? तो जो मार्गी ने कहा कि जो अननोन पर्सन है वो मैं उसको अलाउ नहीं करूँगी मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाने के लिए, कोई अनजान व्यक्ति को, ओके। और वो बात सुन के टॉमी हंसने लगता है और कहता है कि आपको स्कूल ओल्ड स्कूल के बारे में नहीं पता है, जो टीचर्स होते वो एक हमारे घर पे आके नहीं पढ़ाते, हमें हमारे घर पे आके नहीं पढ़ाते, वहाँ एक स्पेशल बिल्डिंग होती है स्कूल, ओके, स्पेशल बिल्डिंग स्कूल, वो वहीं पे जाता है और वो सारे किड्स वहीं पे जाके पढ़ते, वो वहीं पे एक जगह पे पढ़ाते, और एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और मागी क्या पूछते, जो सारे बच्चे होते वो सही एक ही बार सब लोग सीखते, एक क्लास में जो बच्चे होते सही एक ही बार सीखते, तो सारे बच्चे एक ही सेम लर्न करते सीखते, श्योर इफ दे वर द सेम एज, और जो सेम एज के है, हाँ चौकस है वो सेम एज के वो एक ही बात सीखते। नेक्स्ट, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचिज एंड डेट ईच काइंड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो जो मेरी माँ जो कहती है, क्या कहती है कि हर एक बच्चा जो होता है बॉय एंड गर्ल, तो उसको डिफरेंट वे से ट्रेन करना पड़ता है, एजेस हर एक बच्चे को सरखी नॉलेज नहीं, ऑब्जर्वेशन पावर के बारे में बात करें, कैचअप पावर है सही नहीं है, तो वो एक ही चीज साथ में कैसे सीख सकते हैं। जस्ट द सेम डे डिडंट डू इट डैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक। जस्ट द सेम डे डिडंट डू इट डैट वे देन, तो थोड़ा जो टॉमी है थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और कहता है आपको जो भी करना है वो कीजिए, बार बार क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा बार बार क्वेश्चन कर रही है मार्केट, उसे इरिटेटेड होता है एंड कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, जो आपको एक बुक पसंद नहीं तो आप बुक रीड करना बंद कर दीजिए, आप इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाइए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्केट से इट क्विकली, मार्केट ने तुरंत ही उसको रिप्लाई दे दिया कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे बुक पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। सी वॉन्ट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, तो वो जो फनी स्कूल है मीन्स जो एट प्रेजेंट टाइम के स्कूल, हमारे टाइम के हम वहाँ स्कूल में जाके पढ़े, वो स्कूल के बारे में वो जानना चाहती है, उसके बारे में उस बुक से वो रीड करना चाहती है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गिस मदर कॉल, मार्गी स्कूल, जब डे मीन्स मार्गी एंड टॉमी, तो उन्होंने उन बच्चों ने आठवीं बुक कंप्लीट नहीं की थी, हाफ फिनिश बुक, ओके, आठवीं बुक कंप्लीट नहीं की, तब मार्गी की मदर जो है उन्हें बुला दिए, मार्गी आपका स्कूल का टाइम हो चुका है, ओके, हमें भी हमारे बच्चे के मम्मी पापा कहते कि स्कूल का टाइम हो गया जल्दी कीजिए, तो वैसे उसको ना बुला के मार्गी आपका स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक अप नॉट एट मामा, और मार्गी ने रिप्लाई दिया उसे कि मामा अभी नहीं, नाउ से इट मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ओके। मिसेस जॉन्स कौन है, तो मार्गी की मदर, मार्गिस मदर, तो अभी और ये टाइम टॉमी का भी है, टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है, यही है। मार्गी से टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो मैं आपके साथ ये बुक स्कूल के बाद आपके साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि हम स्कूल ओवर हो जाए तब ये बुक पढ़ेंगे सर में, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, ही वॉक अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक टुक बिनिट हिज आर्म नॉन चैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और enthusiasm carelessly, तो बिना कुछ शो किए ऐसे ही दिखाता है, एक्टिंग करता है कि मे बी शायद, और वो विसल बजाते हुए वहाँ से निकलता है, और जो डस्टी ओल्ड बुक है, येलो विस हो गई है, ओके, जो क्रैंकली बुक है
वो अपने हाथ में पकड़ के नहीं चलता है। बीनिट मीन अंडर, ओके, सिमिलर मीनिंग ऑफ अंडर और प्रेपोजिशन है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी इसका जो स्कूल रूम है, स्टडी रूम, उसके अंदर एंटर होती है और वो स्टडी रूम कैसे आया हुआ है, तो नेक्स्ट टू हर बेडरूम और उसके बेडरूम के साइड में, नेक्स्ट बाजू में ही है। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर और मैकेनिकल जो रोबोटिक टीचर है, आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ, ओके, तो जो ऑन ही है स्क्रीन पे ऑन है और उस मार्गी वेट कर रहा है। ऑन ऑफ क्या होता है, जो एक मशीन होता है वो एक ऑन ऑफ हो सकता है, तो ये भी एक ह्यूमन टीचर है, मैकेनिकल रोबोटिक टीचर है, ओके, मशीन है, तो ये ऑन ऑफ हुआ, तो ऑन है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्टिंग संडे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ये जो टीचर है मैकेनिकल टीचर, ओके, मशीन टीचर, वो डेली एक सही टाइम पे ऑन हो जाता है, ऑन ही रहता है एवरी डे, कौन के छोड़ के, तो सैटरडे और संडे को, तो शायद उसकी हॉलीडेज हो सकती है उन डे पर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो जो भी उसकी माँ क्या कहती है, जो भी छोटी गर्ल्स है वो रेगुलर आवर्स पे, रेगुलर घंटे पे, रेगुलर टाइम पे वो सीख ले, वो बेटर हो सकता है उसके सीखना बेटर और एक अच्छी नोट। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप होती है लाइट, उसके ऊपर ओके एक फ्लैश मैसेज आता है। एंड सेड कह रहे टूडेज, आज कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, एरिथमेटिक लेसन, एरिथमेटिक एक मैथ्स का पार्ट है, तो उसके अंदर लर्न करेंगे ऑन द, और टॉपिक कौन सा है, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और लास्ट डे का जो यस्टरडे का जो होमवर्क है वो किसके अंदर डालने के लिए, एक प्रॉपर स्लॉट के अंदर डाल, तो वो चेक हो रहा है उसका, जो मार्की को जो होमवर्क दिया है वो उसको डालने के लिए एक मैसेज आएगी, जो मैकेनिकल टीचर है उन्होंने कहा। नेक्स्ट, मार्गी डिड सो विथ अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल डे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटल बॉय। साई, हियर गिवन वर्ड साई, SIGH साई मीन्स, दो मीनिंग होते हैं उसके, वो हैप्पी और अनहैप्पी के लिए, तो सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है साई। तो हियर अनहैप्पी, मार्गी कैसी है, अनहैप्पी, मार्गी नाखुश है, क्यों, तो उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता है, उसे पढ़ने के लिए जाना पड़ा, स्कूल के जाना पड़ा इसलिए, ओके। और वो सोच रही है, क्या सोच रही है, तो उसके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर्स थे जो छोटे बच्चे थे, ओके, तब जो उसकी स्कूल थी ओल्ड टाइम स्कूल, उसके बारे में सोच रही थी, तो वो जो क्या सोच रही है, तो मशीन को पता नहीं चलेगा, ओके, एक रोबोटिक टीचर को, उसके अंडर मशीन टीचर के अंडर तो प्रोग्राम फिट किया होता है, वो इतना ही कहेगा, तो वो उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम्स टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और क्या सोच रही है, तो ऑल द किड्स, सारे जो बच्चे हैं उसके अड़ोस पड़ोस के, नेबर्स के, ओके, वो साथ में रहते कैम्प, साथ में ही आते, ओके, हंसते खिलखिलाते, साउटिंग करते, बूम करते इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का जो प्ले ग्राउंड होता है स्कूल यार्ड में, वो साथ में ही खेलते, साथ में बूमा बूम करते, के साथ में आके जाते, सब जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्कूल यार्ड में, जो सारे बच्चे एक साथ मिल के करते हैं, तो उसके बारे में सोच रही थी। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और जो स्कूल रूम होता है क्लास रूम, उसके अंदर वो साथ में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल का टाइम ओवर होता है, उसके साथ घर भी साथ में ही आते थे, तो स्कूल को आना जाना हो, दोनों एक्टिविटीज़ जो थी, ये सब एक्टिविटीज़ उसके डिस्क्राइब किए, वो कौन से साथ में हो रही, तो कितने फन कर रहे होंगे वो बच्चे, तो उसके बारे में मार्गी सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और जो बच्चे थे, दे जो सारे बच्चे
ओके ओल्ड टाइम के, वो एक ही चीज़ साथ में सीखते थे, सेम थिंग एक ही चीज़ सीखते थे ओके, और उन चीज़ में उसे समझ में नहीं आता, वो एक दूसरे की हेल्प ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ एक ही चीज़ लर्न की है, उसको एक दूसरे को होमवर्क में मदद कर सकते जो होमवर्क में नहीं समझ में आया, और उसके उसके ऊपर बातचीत भी कर सके, टॉक अबाउट इट, उसके ऊपर बातचीत भी कर सकते थे, तो एक ही वो चीज़ जो उनको मदद कर सकती है। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी क्या है, ह्यूमन बींग्स पीपल्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी डिड वी एड फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 फ्रैक्शन ओके, तो एक मैसेज फ्लैश होता है फिर से एक मैकेनिकल टीचर की डिस्प्ले पे, और कहते हैं कि वी एड फ्रैक्शन, कौन सा फंक्शन ऐड करना है, 1/2 एंड 1/4 .. तो दिखाया गया है, तो प्रॉपर फंक्शंस के जो टॉपिक है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड डेज, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन डे हैड। तो हियर राइटर की एंड ऑफ दिस चैप्टर विद द टाइटल द फन डे हैड ओके। तो मार्गी वो सोच रही कि जो किड्स थे वो ओल्ड डेज को कितना पसंद करते होंगे, कितनी मजा करते होंगे, तो मार्गी को भी जो ओल्ड डेज की स्कूल थी वो उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा। एंड सी थिंकिंग अबाउट, और वो सोचने लगी कि जो लोग जो पास के लोग थे जो हंड्रेड से अगो सेंचुरी से अगो के जो बच्चे किड्स वो कितने मजा करते फन करते होंगे। हियर आवर चैप्टर फिनिश, द फन डे हैड। थैंक यू।